हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी? सभी लोग अच्छे होंगे और मन लगा करके अपनी तैयारी को कर रहे होंगे, ऐसा ही है ना? चलिए, बहुत अच्छा। उम्मीद तो यही है कि आप सभी लोग अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से पूरा कर रहे हैं। बच्चों, टारगेट सीरीज़ या प्रैक्टिस सीरीज़ के जो लगातार वीडियोज़ आपको मिल रहे हैं, उनकी तैयारी आप लोग अच्छी तरह कर रहे होंगे और उनके नोट्स भी बना रहे होंगे। और देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में इन क्वेश्चंस का बहुत फ़ायदा मिलेगा, इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरह के इनके नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को कंटिन्यूअसली करते रहें। कई दिनों से कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर, कुछ फार्मूलेज़ या फिर कुछ इस सीरीज़ में जो न्यूमेरिकल सीरीज़ हम लोग लगा रहे हैं, इसके बीच बीच में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के फार्मूलेज़ या की पॉइंट्स भी आप हमको बता दें या उसके नोट्स बनवा दें, जिससे हमारी तैयारी और भी अच्छी हो सके। तो इसी श्रृंखला में आज मैंने सोचा कि आपके सामने एक मॉडर्न फिजिक्स का टॉपिक रेडियो एक्टिविटी अर्थात रेडियो एक्टिविता कि कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज और उनके वन लाइनर आपको तैयार कराए जाएं। तो इसका एक छोटा सा प्रयास मेरी तरफ से है, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप बताइएगा। आगे भी आपको कुछ मेन मेन टॉपिक्स के वीडियोस इसी प्रकार मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा, जिससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। जिन बच्चों ने यह टॉपिक ऑफलाइन क्लास में पढ़ लिया है, उनके लिए और भी अच्छा है, वो रिवीजन कर लेंगे। लेकिन जो ऐसे बच्चे हैं, नए बच्चे जिन्होंने अभी ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, उनके लिए टॉपिक नया है। इससे पहले आपने केवल एकेडमिक में इसको पढ़ा था, कंपटीशन के दृष्टिकोण में इसके क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं, उसके कुछ वन लाइनर हैं, मैंने आपके सामने उनको नोट किया है, मैं उनको समझाता चलूंगा। आप लोग उनके कॉपी में नोट जरूर बनाते चलें और अपनी तैयारी को यूं ही बरकरार रखें, अच्छी तरह मन लगा करके आप तैयारी को करते रहें, ठीक है ना बच्चों? जैसा हो आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये बीच बीच में जो टारगेट सीरीज के जो प्रैक्टिस सेट्स आ रहे हैं, इनके बीच बीच में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर के नोट्स आपको बनवाए जाएं, कैसा रहेगा आपके लिए? मेरे अकॉर्डिंग तो ये अच्छा प्रयास रहेगा, कुछ चैप्टर्स ऐसे हो जाएंगे जो आपके रिवाइज भी हो जाएंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी तरह हो जाएगी। तो न्यूमेरिकल सीरीज तो चलेगी ही, ऐसा नहीं न्यूमेरिकल सीरीज नहीं चलेगी, न्यूमेरिकल सीरीज तो चलेगी ही लगातार जैसे चल रही है, लेकिन उसके बीच में कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं जो आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे और आप इनको तैयार करते हैं, ठीक है? और एक ज़रूरी बात, जो नए बच्चे इस समय वीडियो को देख रहे हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार अच्छे अच्छे वीडियोस का आप बेनिफिट उठाएं और इनके आप नोट्स बनाएं, स्क्रीनशॉट ले लें या साथ साथ आप इनके नोट्स बनाएं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। और जो बच्चे पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं, वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें और अपनी बात जरूर रखें कि आपको ये जो रिवीजन में हमने जो लगातार कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर के टॉपिक्स उठाए हैं, ये आपको कैसे लगेंगे, ठीक है बच्चों? तो चलिए, कॉपी पेन लेकर सभी लोग तैयार हो जाएं। और इंपॉर्टेंट टॉपिक एक है रेडियो एक्टिविता, इसके कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, आज हम लोग उसका रिवीजन करेंगे या आप कह सकते हैं उसकी तैयारी करेंगे, ठीक है बच्चों? तो रेडियो एक्टिविटी जो होती है वो क्या होती है, जिसको रेडियो एक्टिविता या रेडियो सक्रियता के नाम से हम लोग जानते हैं। सभी लोग जानते हो कि प्रकृति में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं, कुछ ऐसे विशेष प्रकार के एलिमेंट होते हैं जो अपने से लगातार रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स या अपने से लगातार कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन करते रहते हैं। और ऐसे जो इनविजिबल जो रेडिएशंस होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर हम लोग कोई फोटोग्राफिक शीट लगा दें तो ये सारे रेडिएशन उस फोटोग्राफिक शीट को अफेक्ट करते हैं, उसको प्रभावित करते हैं। ऐसे अदृश्य कणों को रेडियो एक्टिव कण कहा जाता है और इस प्रकार की घटना रेडियो सक्रियता या बच्चों रेडियो एक्टिविटी के नाम से जानी जाती है, ठीक है ना? इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट भी ध्यान देते रहें कि सम पार्टिकल्स आर दोज विच आर इनविजिबल बट दे आर कंटिन्यूअस लिमिट्स फॉर सम पर्टिकुलर मटेरियल्स एंड दे अफेक्टेड द फोटोग्राफिक सीट। दैट टाइप ऑफ मटेरियल्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव मटेरियल्स एंड दैट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आर नोन एज रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स एंड सच फिनोमिना इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी, ठीक है बच्चों? तो आप लोग जानते हैं कुछ ऐसे विशेष प्रकार के एलिमेंट होते हैं जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि थोरियम, जैसे कि प्रोटेक्टेनियम, क्लियर? ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, बहुत सारे एलिमेंट होते हैं जिनसे लगातार
लगातार कुछ अदृश्य विकिरणों का उत्सर्जन होता रहता है, इनविजिबल रेडिएशंस निकलते रहते हैं, जैसे अल्फा, बीटा और गामा, और इस प्रकार के पार्टिकल्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स कहलाते हैं। और ये जो घटना है इसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, प्यारे बच्चों इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविता। और पहला वन लाइनर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी थी, रेडियो एक्टिविता की खोज बच्चों करी थी बेकुरल ने। किसने करी थी, बेकुरल ने। और एक विशेष प्रकार के एलिमेंट रेडियम, उसकी खोज किसने करी थी, उसकी खोज की थी क्यूरी ने। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट्स इसके जरूर बना लें, रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी, डिस्कवरी ऑफ रेडियो एक्टिविटी, तो आंसर क्या है, बेकुरल। आप बेकुरल टिक करोगे, लेकिन जब आपसे बोला जाए रेडियम जो पार्टिकल, रेडियम जो एलिमेंट है ये भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसकी डिस्कवरी किसने करी, तो रेडियम की डिस्कवरी किसने करी, क्यूरी ने करी। तो रेडियो एक्टिविता बेकुरल, बट रेडियो एक्टिविटी में जो एलिमेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं रेडियम, इसकी खोज किसने करी, क्यूरी ने करी। ठीक है बच्चों, चलिए पहला पॉइंट हम लोग ध्यान देते हैं। पहला पॉइंट आपको कह रहा है रेडियो एक्टिविता की खोज बेकुरल ने करी, बहुत अच्छी बात है, बेकुरल आपको लर्न करना है, बेकुरल, इसको मैंने अंडरलाइन कर लिया, आप लोग भी नोट्स बना लें। और देखिए सेकंड तो डेफिनेशन लिखी मैंने अभी आपको बता दिया है, प्रकृति में कुछ ऐसे एलिमेंट पाए जाते हैं जिनसे कुछ अदृश्य विकिरण निकलते हैं, इनविजिबल रेडिएशन निकलते हैं, और ऐसे अदृश्य विकिरणों को रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, और ये घटना क्या कहलाती, रेडियो एक्टिविता। सभी को समझ में आ गया, मैंने आपको पहले से ही बता दिया है, आप नोट्स लेकिन बनाते चलें। उसके बाद देखिए क्या लिखा है, कुछ प्रमुख रेडियो एक्टिव एलिमेंट जैसे यूरेनियम, जैसे थोरियम, जैसे पोलोनियम, जैसे रेडियम आदि होते हैं, बिल्कुल ठीक है। और रेडियम की डिस्कवरी किसने करी, क्यूरी ने। आप लोग अपनी कॉपी में नोट्स बना लें और क्यूरी को अंडरलाइन कर लें कि रेडियो एक्टिविता की खोज किसने करी बच्चों, तो रेडियो एक्टिविता की खोज में बेकुरल आंसर सही होगा, लेकिन जब बात आ जाए रेडियम, तो रेडियम की खोज किसने करी, तो रेडियम में आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, क्यूरी। क्लियर। और एक सबसे इंपॉर्टेंट वन लाइनर जो लिखा हुआ है, रेडियो एक्टिविटी इज अ न्यूक्लियर फिनोमिना, रेडियो एक्टिविता एक नाभिकीय घटना है, क्योंकि इस पर फिजिकल और केमिकल जो चेंजेस हैं, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है ना, जैसे ताप, दाब, आयतन, ये भौतिक परिवर्तन हो गए, रासायनिक परिवर्तन का मतलब क्या हुआ, इन पर किसी अभिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई केमिकल जो कंपोनेंट होगा वो उसमें रिएक्ट नहीं करेगा, इसलिए इसमें कहा गया कि इन पर रासायनिक परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बहुत अच्छा। अल्फा, बीटा और गामा को रेडियो एक्टिव रेडिएशन कहा जाता है, और इनकी पहचान रदरफोर्ड ने की। ये क्वेश्चन का आंसर बड़ा इंपॉर्टेंट है, रदरफोर्ड ने अल्फा, बीटा, गामा को देखा, जो अल्फा, बीटा, गामा, देखिए आपके सामने ये एक्सपेरिमेंट बना हुआ है, ये को रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव पदार्थ या रेडियो एक्टिव तत्व, और इससे बच्चों अल्फा, बीटा, गामा का रेडिएशन निकल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट को सबसे पहले रदरफोर्ड ने देखा। अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, इनकी बारे में विशेषता है बच्चों कि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, अल्फा कण धनावेशित कण है, बीटा पार्टिकल नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं, और गामा पार्टिकल्स आर न्यूट्रल, गामा किरणों को उदासीन किरणें भी कहा जाता है। तो सभी लोग याद कर लें, अल्फा कण धनावेशित कण है, जैसे इसको हीलियम का नाभिक भी आप लोग कहते हो, 2HE4 याद है सभी लोगों को, जो अल्फा पार्टिकल है दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ हीलियम 2HE4, तो अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस भी है। अल्फा पार्टिकल जो होता है ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इस पर इलेक्ट्रॉन का दुगना आवेश होता है, 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलाम। अल्फा का मास होता है बच्चों 6.64 × 10⁻²⁷ kg। बीटा पार्टिकल का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलाम बच्चों, और बीटा पार्टिकल का जो रस्ट मास है जिसको विराम द्रव्यमान कहते हो, वो क्या होता है 9.1 × 10⁻³⁹ kg। सिलेक्टेड मैटर मैंने आपके लिए निकाल करके ये नोट कर दिया है, मेन चीजें जो आपको एग्जाम के लिए पढ़नी है, बुक की तरीके तमाम लेंथी प्रोसेस आपको नहीं अपनाना है, मेन जो पॉइंट हैं केवल वो ये आपके सामने हैं, आप लोग इनको जरूर तैयार कर लें। ठीक है ना, तो इतनी बात सबको समझ में आ गई, एक्सपेरिमेंट भी आपको क्लियर है, आप लोग एक्सपेरिमेंट में देख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया है यहां पर, ये प्लस और ये माइनस लगाया गया, मैंने तो दिखाया है, लगाने वालों ने तो लगाया था, ये प्लस चार्ज है और ये माइनस है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिन्होंने लगाया था उसी का एक्सप्लेनेशन मैं केवल कर रहा हूं। ये पॉजिटिव चार्ज और ये निगेटिव चार्ज, तो जो बीटा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स हैं जिन पर पॉजिटिव चार्ज है वो निगेटिव प्लेट की ओर जाते हैं, और गामा क्या है, उदासीन, गामा आर द न्यूट्रल या न्यूट्रल रेज, तो इनका कोई भी विचलन या कोई भी डेविएशन इनका नहीं होता। सभी को समझ में आ रहा है।
सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखें, जो बात आपको समझाई जा रही है वो आपको अच्छी तरह क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, मीडियम की कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही किसी को। इसीलिए मैं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ इंग्लिश में भी, जिससे आपको कोई समस्या ना हो। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा आप वन लाइनर भेदन क्षमता पेंट्रेशन पावर का भी तैयार कर लें। अल्फा जो पार्टिकल्स होते हैं इनकी पेंट्रेशन पावर कम होती है। भेदन क्षमता के बारे में आप लोग जानते हो, सबसे ज़्यादा जो भेदन क्षमता है, सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन पावर है बच्चों, वो गामा की होती है। किसकी होती है? गामा किरणों की भेदन क्षमता अल्फा व बीटा से भी अधिक होती है, और बीटा पार्टिकल्स की भेदन क्षमता अल्फा से 100 गुना ज़्यादा होती है, और अल्फा पार्टिकल्स की भेदन क्षमता सबसे कम होती है। तो कभी भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाए कि निम्न में से वो कौन से पार्टिकल्स हैं जिनकी पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, तो आप आंसर को सही करके आएंगे अल्फा पार्टिकल। और या तो आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा पेनिट्रेशन पावर वाले कौन से पार्टिकल्स हैं, तो आप आंसर सही करके आओगे प्यारे बच्चों गामा रेज, जिनको गामा विकिरण कहा जाता है। तो ये सारी चीजें आप अपनी कॉपी में नोट कर लें, स्क्रीनशॉट इसका ले लें, आप इसके नोट्स बना लें और बहुत अच्छी तरह आप इसको तैयार करें। नोट कर लें बच्चों कॉपी में जल्दी से, रेडियो एक्टिविता यानी रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा आर द रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स। मेहनत करते चलें, आगे बढ़ते रहें, समय का सदुपयोग करें और अपने एग्जाम का टारगेट माइंड में सेट रखें। अच्छे बच्चों की सबसे बड़ी पहचान वो अपने एफर्ट को कंटिन्यूअसली करते रहते हैं। नोट कर लें बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लें आप, ठीक है आगे बढ़ा जाए। चलिए बहुत अच्छा, स्क्रीनशॉट आप लोग इसका ले लें और कमेंट करें कि सारे टॉपिक आपके क्लियर हो गए, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए। नोट कर लिया बच्चों, एक और मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज आप लोग तैयार कर लें जो एग्जाम में बहुविकल्पी के रूप में कई बार पूछी जाती है। अल्फा बीटा गामा का जो आयोनाइजेशन पावर है, जिसको आयनन क्षमता कहते हैं, ये आप जरूर तैयार रखें। पहला क्वेश्चन भेदन क्षमता याद करके जाएं, और दूसरा क्वेश्चन आप आयनन क्षमता यानी पेंट्रेशन पावर और आयोनाइजेशन पावर। सबसे ज्यादा अगर पेंट्रेशन पावर होती है तो गामा की, इसको याद कर लो, गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे ज्यादा, उससे कम बीटा की और सबसे कम अल्फा की। लेकिन बच्चों जब आयनन क्षमता की बात आए तो ये रिजल्ट ठीक अपोजिट होता है। सबसे ज्यादा आयनन अगर कोई उत्पन्न करता है तो वो है अल्फा पार्टिकल। आयोनाइजेशन पावर, गैसों का आयनन सबसे ज्यादा अगर किसी से होगा तो उनका नाम है अल्फा पार्टिकल। बीटा कणों का जो आयनन होता है या बीटा कणों से जो आयनन होता है वो अल्फा से कम, और गामा का जो आयनन होता है यानी गामा किरणों से जो आयनन होता है गैसों का वो सबसे कम होता है। तो यही प्रॉपर्टी यहाँ लिखी हुई है, अल्फा कणों की आयनन क्षमता बीटा किरणों की तुलना में लगभग 100 गुनी और गामा किरणों की तुलना में लगभग 1000 गुनी अधिक होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप लोग उसको जरूर लर्न कर लें कि अल्फा पार्टिकल की जो आयनन क्षमता है वो बीटा किरणों की तुलना में लगभग 100 गुनी और गामा किरणों की तुलना में लगभग 1000 गुना अधिक होती है। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लें और लर्न भी कर लें। अब आप लोग ये जानते हैं कि जब किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और गामा रेज निकलेंगी तो उनका परमाणु क्रमांक, गामा में नहीं होता अल्फा और बीटा में, उनका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर और मास नंबर दोनों चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि अल्फा इमिशन में जो जेड होता है जिसको परमाणु क्रमांक कहते हो, उसमें दो की कमी, जेड माइनस टू, जो नया एलिमेंट होगा उसका परमाणु क्रमांक होगा जेड माइनस टू। ठीक है, और जो परमाणु भार होगा जिसको द्रव्यमान संख्या कहते हो, मास नंबर, उसमें चार की कमी, मींस ए माइनस फोर होगा। ठीक है ना, जड़ में दो की कमी और ए में चार की कमी। लेकिन जब बीटा इमिशन होता है, बीटा उत्सर्जन, ठीक है ना, तो क्या होता है, मास नंबर में कोई फर्क नहीं होता, द्रव्यमान संख्या, मास नंबर रिमेन्स अनचेंज, द्रव्यमान संख्या नहीं बदलेगी, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है वो वन बढ़ जाता है। बच्चों मेरी बात ध्यान से आप सुन रहे हैं ना, जब बीटा इमिशन होगा तो जेड में एक की वृद्धि होगी लेकिन ए में कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन अल्फा इमिशन में जेड में दो की कमी होगी और ए में चार की कमी होगी। ठीक है ना, देखिए यहां पर ये लिखा हुआ अल्फा डीके, एक रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है, सभी लोग ध्यान से पढ़ें, रिएक्शन लिखी हुई है जेड एक्स से। जेड क्या है, कोई पैरेंट न्यूक्लियस है, ध्यान रखिएगा, मुख्य नाभिक, इसका परमाणु क्रमांक जेड और मास नंबर ए है। जब अल्फा इमिशन हुआ तो जेड में दो की कमी हो गई तो जेड माइनस टू,
ए में चार की कमी हो गई बच्चों, तो ए माइनस फोर, साथ में टू एच ई फोर। एग्जाम्पल आपके सामने लिखा हुआ है यूरेनियम, यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92, द्रव्यमान संख्या 238, जब इसमें से दो कम हो गया तो थोरियम बना 90 234, और टू एच ई फोर। और बीटा छह की अगर बात करें तो जेड एक्स ए में जब बीटा पार्टिकल निकलेगा तो जो नया, जिसको डॉटर न्यूक्लियस कहते हो, ये पैरेंट न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस, ये पैरेंट न्यूक्लियस, ये डॉटर न्यूक्लियस, डॉटर जो बन गया है, पैरेंट माने जो मुख्य हो, ठीक है ना। तो यहां पर वाई में जो जेड था वाई का, वो एक बढ़ गया, लेकिन ए में कोई चेंज नहीं। और माइनस वन बीटा जीरो प्लस न्यू बार, एग्जाम्पल क्या लिखा हुआ है, रेडियम 88 228, बीटा डिके हुआ है एक्टिनियम 89, एक 88 से जड़ एक बढ़ गया और ए में कोई चेंज नहीं, और माइनस वन बीटा जीरो प्लस न्यू बार। सभी को क्लियर हो गया, तो कॉपी में आप इसको नोट कर लें, अल्फा डिके और बीटा डिके, एक को बोला जाता है अल्फा छ, एक को बोला जाता है बीटा छ। अब रदरफोर्ड और सोडी का नियम क्या कहता है कि अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व में लगातार क्षय हो रहा है, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसा कि डिफिनीशन कहती है कि उससे लगातार अल्फा बीटा गामा निकल रहे हैं, तो अगर उससे लगातार पार्टिकल्स निकल रहे होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होंगे, कम होंगे। अगर किसी रेडियो एक्टिव तत्व में प्रारंभिक परमाणु एन हो तो शेष परमाणु क्या होंगे, प्रारंभिक परमाणु अगर एन नॉट हो, इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स आर एन नॉट, जिसको एन जीरो में हम लोगों ने बोला, एन जीरो को बोला जाता है प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, प्रारंभिक परमाणुओं की संख्या, ठीक बच्चों, और एन को बोला जाता है शेष परमाणुओं की संख्या। नंबर ऑफ एटम्स रिमेनेंस आफ्टर द डिके, ठीक है। तो यहां पर रदरफोर्ड सोडी ने एक नियम दिया, उसने बोला n इज इक्वल टू एन नॉट ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी, लेमडा को बच्चों बोला जाता है विघटन स्थिरांक या डिके कांस्टेंट, और t को क्या कहते हो, विघटन का समय, टाइम ऑफ डिके। तो क्या पूरा फार्मूला बन के आया, n इज इक्वल टू एन जीरो ई टू दी पावर माइनस लेमडा टी। नोट कर लें पूरा फार्मूला, रदरफोर्ड सोडी के नियमानुसार किसी रेडियो एक्टिव परमाणुओं से, परमाणुओं के क्षय होने की दर उस क्षण उपस्थित परमाणुओं की संख्या के अनुक्रमानुपाती होती है। रेडियो एक्टिव तत्व के क्षय होने की दर या परमाणुओं के क्षय होने की दर, द रेट ऑफ डिके इज इक्वल टू, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन दैट सब्सटेंस। बच्चों बीटा डीके में ये जो आपको पार्टिकल लिखा हुआ है माइनस वन बीटा जीरो, मैं बताना भूल गया था, आप लोग समझ लें, ये बीटा पार्टिकल होता है, और ये जो लिखा है ये एंटी न्यूट्रिनो है। न्यू बार को क्या बोलते हो, एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, न्यू बार को बोला जाता है एंटी न्यूट्रिनो। नोट कर लें इसको बच्चों, एक टर्मोलॉजी हम लोगों को तैयार रखना है, रेडियो सक्रियता, यानी जिसको रेडियो एक्टिविटी आप लोग बोलते हो, वास्तविकता में रेडियो एक्टिविटी को हिंदी में बोल देते हैं रेडियो एक्टिवता, लेकिन वास्तविकता में उसका मायने में, सही मायने में अर्थ क्या है, रेडियो सक्रियता। सक्रियता का मतलब यह हुआ कि रेडियो एक्टिव जो एलिमेंट है इसकी मुख्य प्रॉपर्टी क्या है, डिके यानी क्षय होना। तो कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जब डिके होता है, जब वो क्षय होता है, तो उसका ये जो क्षय होने की दर है, समय दर, टाइम रेट ऑफ डिके ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसको बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं, रेडियो सक्रियता। रेडियो सक्रियता का मतलब ये हुआ कि समय के सापेक्ष किसी रेडियो एक्टिव मटेरियल के विघटित होने की दर, उसी को बोला जाता है रेडियो सक्रियता या रेडियो एक्टिविटी हम लोग कहते हैं। सक्रियता को आर से भी व्यक्त करते हो, और इसको dN / dt हम लोग कहते हैं,
और ये dN अपॉन dt का मायने क्या होता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे रेडियो एक्टिव पदार्थ के क्षय होने की दर घटेगी, इसलिए हम लोग साइन क्या लगाते हैं, माइनस dN अपॉन dt। ये देखें आप लोग, सक्रियता का फार्मूला लिखा हुआ है माइनस dN अपॉन dt और उसको R से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, याद कर लें, R इज इक्वल टू लेमडा एन, लेमडा को डिके कांस्टेंट बोलते हो और यहाँ से R और N में एक रिलेशन आया R प्रोपोर्शनल N, N को क्या बोलते हो, N को बोलते हो विघटन के बाद शेष बचे नाभिकों की संख्या या शेष बचे परमाणुओं की संख्या, नंबर ऑफ रिमेनेंस न्यूक्लियाई और नंबर ऑफ रिमेनेंस एटम्स, तो R प्रोपोर्शनल N, अर्थात जो फार्मूला N का होगा वही फार्मूला R का होगा। थोड़ा सा हम लोग मात्रकों पे ध्यान देते हैं, यूनिट्स पर, रेडियो सक्रियता की SI यूनिट क्या होती है, बेकोरल। रेडियो सक्रियता के अन्य मात्रक क्या होते हैं, क्यूरी और रदरफोल्ड, क्या होते हैं, क्यूरी और रदरफोल्ड। एक क्यूरी में कितने विघटन पर सेकंड, 3.7 गुणे 10^10 और एक रदरफोल्ड में कितने विघटन पर सेकंड, 10^6 विघटन पर सेकंड। तो यहां पर देखिए पूरा फार्मूला क्या बना, n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा t, और अभी आपने पढ़ा कि जो फार्मूला आर का होगा वही एन का होता है, तो एन की जगह आर और एन नॉट की जगह हम लोग आर नॉट भी लिख सकते हैं। तो एक और फार्मूला बन गया, आर इज इक्वल टू आर नॉट e टू दी पावर माइनस लैम्डा टी, और स्मॉल एन को क्या बोलते हो, नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्ध आयु कालों की संख्या। तो अर्ध आयु कालों की संख्या के पदों में एक फार्मूला होता है एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर एन, या इसी को आप लोग लिख सकते हैं जरूरत पड़ने पर न्यूमेरिकल के लिए आर अपॉन आर नॉट इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर एन। तो ये सूत्र आपके न्यूमेरिकल में बहुत काम में आने वाले हैं, आप लोग इनको अच्छी तरह कॉपी में नोट करके लर्न भी कर लें कि एन और एन नॉट में रिलेशन क्या होता है। एक तो फार्मूला आपने पढ़ा था n इज इक्वल टू n नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा t, इसी प्रकार बच्चों r इज इक्वल टू r नॉट e टू दी पावर माइनस लेमडा t, और दो फार्मूले और याद कर लें, ध्यान रखिएगा n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर n और r अपॉन r नॉट इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर n। ठीक है बच्चों, नोट कर लें इसको कॉपी में। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और नोट कर लें। क्लियर हो गया बच्चों, सारे टॉपिक आपको क्लियर हो रहे हैं, इसी तरह आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करें, बहुत प्यारे बच्चे हैं, सारी चीज़ों को सीखते रहें, वन लाइनर बहुत अच्छे याद करें एग्ज़ाम के लिए। जितने ज़्यादा आपको वन लाइनर और फार्मूले लर्न होंगे आपके एग्ज़ाम में चयनित होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, हाफ लाइफ के बारे में आप लोग जानते हैं कि वो समय जिस टाइम पर या जितने समय पर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का क्या रह जाए, आधा रह जाए। ठीक है ना, प्रारंभिक मात्रा क्या होती है, एन नॉट। ठीक, एन नॉट को बोलते हो इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स इन द रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। अब ये हाफ रह जाए, हाफ रहने का मतलब एन इज इक्वल टू एन नॉट बाई टू। तो जितने समय में ऐसा हुआ कि रेडियो एक्टिव परमाणुओं की संख्या अपने विघटित परमाणुओं या रेडियो एक्टिव परमाणु डिके होकर के विघटित होकर अपनी इनिशियल अमाउंट का क्या रह गए, हाफ रह गए, आधे रह गए, उसी को हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलते हैं, अर्ध आयु काल। सभी को समझ में आ गया, वह समय जितने समय में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होकर अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ रह जाए, आधा रह जाए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हाफ लाइफ टाइम। क्लियर, तो हाफ लाइफ टाइम का एक फार्मूला होता है बहुत प्यारा सा। बच्चों कहीं कहीं हाफ लाइफ टाइम को कैपिटल टी से और कहीं कहीं हाफ लाइफ टाइम को टी हाफ से रिप्रेजेंट किया जाता है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, मैंने आपको सिंपल सा यहां पर फार्मूला लिख दिया है, आप अर्ध आयु काल को टी हाफ से रिप्रेजेंट करें, दैट इज द टी हाफ, और कैपिटल टी को बोला जाता है टोटल डिके टाइम, विघटन का कुल समय, और एन को बोला जाता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ, अर्ध आयु कालों की संख्या। जैसे कहा नहीं जाता 8 वर्षों के बाद, 15 वर्षों के बाद, 20 वर्षों के बाद वो कितना रह जाएगा, तो ये 8, 15, 20 जो इयर्स हैं ये क्या होता है, n। ठीक है ना, और कैपिटल T का मतलब होता है विघटन का समय, टाइम ऑफ डिके, टाइम ऑफ डिके ध्यान रखना, और T आपको बोलते हो क्या, अर्ध आयु काल। तो अर्ध आयु काल का मतलब क्या होता है बच्चों, T हाफ, और विघटन के समय को T, और उसके बाद n को बोला जाता है नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। क्लियर हो गया सभी लोगों को, n को क्या बोला जाता है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। फॉर द एग्जांपल मैंने आपसे बोला कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी इनिशियल अमाउंट का 1/8 रह जाता है बच्चों, तो n इज इक्वल टू क्या हो गया, n नॉट बाई 8, n इज इक्वल टू
एन नॉट बाई एट, और मैंने आपसे बोल दिया कि इसकी हाफ लाइफ आपको दी है, इसकी हाफ लाइफ आपको दी है 5 ईयर्स, तो ये टी हाफ हो गया। अब आप सबसे पहले एक काम करोगे, फार्मूला अप्लाई करोगे, एन अपॉन एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर एन, सो 1/8 इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर एन, और 1/8 को आप क्या रखोगे, 1/2 का होल क्यूब इज इक्वल टू 1/2 की होल पावर एन, तो एन इज इक्वल टू क्या आ गया, 3, ठीक है ना। और जब n की वैल्यू हमारे पास में 3 आ गई, तो अब हम लोग फार्मूला क्या लगाएंगे, t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ, n की जगह आप क्या रखोगे 3, और t हाइफ की जगह आप क्या रखोगे 15, यानी उसको टोटल डिके होने में जो समय लगेगा, विघटित होने में जो समय लगेगा वो कितने वर्ष लगेगा, 15 वर्ष। इस प्रकार बच्चों हम लोग क्या निकाल लेते हैं, विघटन का समय, टाइम ऑफ डिके। सभी को बच्चों क्लियर हो गया, तो टाइम ऑफ डिके का मतलब क्या होता है, कैपिटल टी, हाफ लाइफ आपको क्वेश्चन में दी जाती है, और एन को बोलते हो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, अर्धायु कालों की संख्या, वो अभी हम लोगों ने फार्मूले से निकाल के चेक कर ली। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप लोग लर्न कर लें, t इज इक्वल टू n इंटू टी हाफ, कैपिटल t को टाइम ऑफ डिके विघटन का समय, n को नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स, और उसके बाद t हाफ को आप लोग लिख लें अर्धायु काल, यानी नंबर ऑफ हाफ लाइफ टाइम। स्क्रीनशॉट ले लें इसका और इसके नोट्स बना लें। नेक्स्ट फार्मूला बच्चों ध्यान दें, अर्धायु काल और विघटन स्थिरांक में संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ टाइम एंड डिके कांस्टेंट। हाफ लाइफ टाइम और डिके कांस्टेंट का रिलेशन क्या होता है, टी हाफ इज इक्वल टू लॉग 2/λ, लॉग 2 बेस ही, और इसका डेरिवेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा एकेडमिक में, अभी मैं उसको नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको केवल फार्मूले की जरूरत है। टी हाफ इज इक्वल टू लॉग 2/λ, और लॉग 2 की वैल्यू क्या होती है, 0.6931, और लेमडा से आपका परिचय हो चुका है, लेमडा को बोलते हो विघटन स्थिरांक या डिके कॉन्स्टेंट। और औसत आयु काल का फार्मूला क्या होता है, औसत आयु आप लोग जानते हैं वह समय जितने समय में, या फिर आप ये कह दो कि किसी भी तत्व के जितने भी हाफ लाइफ्स होते हैं उनका जो एवरेज होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीन लाइफ टाइम या अर्ध आयु काल। अर्ध आयु काल का मतलब क्या हुआ, अर्ध आयु काल का मतलब यह हुआ जो वह समय जितने समय में रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिके होकर अपनी इनिशियल अमाउंट का हाफ हो जाए। लेकिन अगर बात करी जाए औसत आयु काल की, तो औसत आयु काल वह समय होता है जो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते हैं उनका एवरेज, कुल अर्ध आयु कालों की जो संख्या होती है उनका एवरेज। और इसका फार्मूला क्या बना, टाउ इज इक्वल टू 1/λ, और हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ या मीन लाइफ में रिलेशन क्या है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 इनटू टाउ, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन। आप यहां खुद देखें, 1/λ की जगह अगर हम लोग टाउ को पुट कर दें, 1/λ की जगह अगर हम लोग टाउ को पुट कर दें, ये वाला 1 नहीं बेटा, ये तो इसके साथ है, यहां पर एक हिडन जो 1 होता है 1/λ, अगर उसकी जगह हम लोग टाउ को पुट कर दें तो फार्मूला क्या आएगा, 0.6931 इनटू टाउ, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ टाइम। क्लियर हो गया, नोट कर लें इस फार्मूले को, जल्दी से लिख लें बच्चों, स्क्रीनशॉट या तो ले लें इसका और इसको तैयार कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एग्जाम के लिए। रेडियो एक्टिविता एक सॉल्व टॉपिक था, मैंने आपको इसको कंप्लीट करा दिया है, उम्मीद है कि आपको पूरा टॉपिक क्लियर समझ में आ गया होगा। सारे फार्मूलेज आप लोग मन लगा कर तैयार करें, इसी प्रकार प्रैक्टिस सेट के वीडियोज की सीरीज में वीडियोज जो न्यूमेरिकल्स के आ रहे हैं उनके साथ साथ आप लोग इन चीजों की बहुत अच्छी तरह तैयारी करें, जिससे आपको और भी ज्यादा शार्पनेस आपकी प्रिपरेशन में हो जाए, वन लाइनर और फार्मूले। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगा हो, अगर आपको यह लगा हो कि इस प्रकार के कुछ और भी टॉपिक्स हों जिनके वन लाइनर मैं क्लास में रिवीजन करवा दूं या उनके वीडियोस यूट्यूब में अपलोड कर दिए जाएं, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, कमेंट जरूर बच्चों किया करें, इससे आपकी बात समझ में आती है कि आप क्या चाहते हैं या आपकी तैयारी कैसी चल रही, कुछ ना कुछ आप जरूर लिखा करें, जरूर कमेंट किया करें और अपनी भावनाओं को व्यक्त किया करें, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इस टॉपिक को तैयार करें, टॉपिक का नाम था रेडियो एक्टिविता, जल्दी आगे फिर से एक नया वीडियो आपके सामने लेकर के आएंगे। इससे पहले जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें, और इंतजार करें अगले वीडियो का, जल्दी आपके सामने आएगा नेक्स्ट टॉपिक, वो न्यूमेरिकल सीरीज भी हो सकता है या फिर थ्योरी वाला सेक्शन का जो फार्मूला सीरीज है ये भी हो सकता है, जैसा होगा वो आपके सामने वीडियो आ जाएगा। तब तक आप लोग मन लगा करके तैयारी करें, नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।